हाँ जी बच्चों, बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। चलिए अब फटाफट से हम ये जो आपकी यूनिटरी मेथड मॉड्यूल 4 का केस स्टडी रह गया वो कर लेते हैं, और जो एक और मॉड्यूल आपके पास है वो आपका होमवर्क असाइनमेंट है। फिफ्थ मॉड्यूल यूनिटरी मेथड वाला, दैट इज योर होमवर्क असाइनमेंट, आप उसे करके आएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अभी जल्दी से, कल हमने इसके एमसीक्यू मॉड्यूल 4 के क्वेश्चन रीजन कर लिया था। ठीक है जी, तो अब आप क्या करोगे, इसका फटाफट से निकालो केस स्टडी, जल्दी से करें, फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर भी करना है आज। चलिए जी, जल्दी से पढ़ो। सचिन बॉट अ बैग ऑफ व्हीट, द क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन द बैग इज, इन लिखा है वापस से, मेक इट इज 25 kg। वन बैग में हाउ मच व्हीट इज देयर, 25 kg, एंड पेमेंट फॉर दिस इज 2750। ठीक है जी, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज अ पर्सन सचिन बॉट अ बैग ऑफ व्हीट, द क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज 25 kg इन द बैग, एंड ही पेड ₹2750 फॉर वन बैग। आप जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच ही वुड हैव पेड फॉर टू व्हीट बैग्स। बोलो जी, टू व्हीट बैग्स के लिए कितना पैसा उसको देना होगा, कैसे निकालोगे? युवराज, मैं बीपार, बीपार। बी पार्ट, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। वन बैग का कॉस्ट 2750, टू बैग्स का निकालना है हमें, मालूम है, कम का पता हो, ज्यादा का निकालना हो तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो 5500, बी पार्ट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से सोच के बताना है, हाउ मच डज 1 kg ऑफ व्हीट कॉस्ट? सी पार्ट, ये घर से करके आए हो आप लोग, वेरी गुड। किस किसने करा था, किस किसने किया है घर पे ट्राई? हाँ, सबने नहीं किया, ये 6D वाला कोई हाथ नहीं खड़े कर रहे, 6E वालों ने ट्राई किया, वेरी गुड। चलो ठीक है, जिस जिसने किया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया फटाफट करो, ताकि फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। हाँ जी, 25, 1, देखो दो चीजें दे रखी थी, वन बैग और साथ में उसमें क्वांटिटी 25 kg। इट मींस ये जो 2750 है, ये कितने केजी व्हीट का कॉस्ट है? 25 kg। और मुझे निकालना है वन का। जब ज्यादा का पता हो, कम का निकालना हो, तो क्या करना होता है? अगेन यूनिटरी मेथड पे जा रहे हैं। 25 kg का कॉस्ट मालूम है, वन का निकालना है, मतलब यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड 2750 डिवाइड बाय 25। जब आप 2750 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 25, 21 5 25, 0। सो 1 kg व्हीट का कॉस्ट 110 rupees। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी दी कॉस्ट ऑफ अ बैग कंटेनिंग 35 kg ऑफ व्हीट? मैम 60 क्लास ए पार्ट, मैं सिक्स 60 ई ए क्लास ए आप पार्ट, बी बिल्कुल क्लास ठीक है, आप ए लोग कर पार्ट, ए बिल्कुल पार्ट। ठीक है जी, जो करके नहीं आया उनके लिए जरा हम दोबारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब मुझे बताना है, देखो ए पार्ट, सब पहले हमें कहा गया कि वन बैग में 25 kg वेट थी और उसका कॉस्ट था 2750 rupees। वहां से हमने क्या किया, हमने 1 kg का जो कॉस्ट निकाल दिया वो कितना निकाल दिया, 110 rupees। अब मुझसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी दी कॉस्ट ऑफ अ बैग कंटेनिंग 35 kg। अब मेरे बैग में 25 kg वीट नहीं है, कितनी है?
35 अब उस 35 kg वाले बैग के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 kg का कॉस्ट 110 रुपीज, निकालना है 35 का, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई की डिवाइड? बिल्कुल आसान बात, 1 kg का मालूम है, यूनिटरी मेथड लगाया, 35 के लिए 110 मल्टीप्लाई बाय 35, और अगर आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 3850 रुपीज। इसका मतलब थर्ड का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। पार्ट नेक्स्ट है, हाउ मच वीट कैन सचिन बाय? पार्ट मैम सी पार्ट सी पार्ट करेक्ट है, सी पार्ट सी करेक्ट है बच्चों, लेकिन जिन्होंने, वही बात है, सबने ट्राई नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो जरा बच्चों, जिन्होंने जिन्होंने घर पे ट्राई नहीं किया अभी करो जल्दी से। मैं फिफ्थ का डी आंसर थर्ड का ए पार्ट थर्ड का ए तो हो चुका बेटा, फोर्थ का सी और फिफ्थ का डी है। पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, फोर्थ में अभी हम आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि अगर सचिन के पास 5720 रुपीज होते तो वो कितने केजी वीट बाय कर सकता था? 52 मैं 52 kg। केजी। ठीक है जी, जिनका जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ वो 2 मिनट अभी शांत रहेंगे, बाकियों को ट्राई करने देते हैं। आपको मालूम है 1 kg वीट का कॉस्ट कितना आपने निकाला था? 110 मतलब अगर 110 रुपीज है मेरे पास तो मैं 1 kg बाय कर सकती हूँ। मुझे बताना, अगर 5720 रुपीज मेरे पास हो तो मैं कितने केजी वीट बाय कर सकती हूँ? चलिए जी, मैंने 6G से आंसर लेना है, जरा देखते हैं कौन बताएगा मुझे। एनीवन फ्रॉम 6G, जल्दी जल्दी से ट्राई करो जरा। 1 kg का कॉस्ट 110 रुपीज है एंड आई हैव 5720 रुपीज विद मी, आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी केजीज ऑफ व्हीट आई कैन बाय नाउ। 6G में से जिसका हो जाएगा जल्दी से माइक के पास आके मुझे आंसर बताना है। और अगले वाला आंसर मैंने 6D वालों से लेना है। सिक्स हाँ बोलो, 6A से बता रहे हो? डी पार्ट 6 थे 6A वाले कह रहे हैं डी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैम के फिफ्थ का बता रहे हो? फिफ्थ का का, ओके अच्छा, मैंने डी वालों से कहा फिफ्थ का बताएंगे तो फिफ्थ का डी पार्ट बता रहे हैं। पहले फोर्थ का आंसर 6G से लेना, मैंने जल्दी जल्दी करो बच्चों, बैठ गए तुम तो। किसका आ गया 6G में से आंसर? आ जाओ बेटा, आ जाओ माइक के पास, ये जो पहले आगे बेंच पे बैठा है, आ जाओ बच्चे 6G से। हाँ मैम 52 kg। कैसे निकाला बेटा, निकाला कैसे ये बता बच्चे, क्या किया है? कैसे किया बता दो, डिवीजन की मल्टीप्लाई क्या होती है, तो क्या बेटा होगा ये 52 kg आंसर कैसे निकाला, कॉपी में देख के बता क्या किया तूने बेटे, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, किसको किससे डिवाइड किया, क्यों किया वो बताओ। हाँ शाबाश शाबाश बोलो। क्या हो गया बेटा? मैम आप एक बार इसी कॉपी में प्लीज चेक कर लीजिए कि इसने किया कैसे है, हैज इट डन करेक्टली? मैम डिवाइड से निकला डिवीजन से निकलेगा, क्यों डिवीजन से निकलेगा? 110 रुपीज होने पर आई कैन बाय 1 kg, तो फिर यूनिटरी पे जाना था मुझे, 1 रुपी के लिए 1/110 और 5720 के लिए 1/110 मल्टीप्लाई विद 5720। इसका मतलब मुझे 5720 को 110 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 ज़ा 550,
चूजा 220, तो मेरे पास आंसर आ गया 52 kg. सो इफ आई हैव रुपीज 5720 आई कैन बाय 52 kg ऑफ व्हीट. नेक्स्ट इज प्राइस फॉर केयरिंग 75 kg ऑफ व्हीट इज 375. हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट कैन बी कैरिड बाय सचिन बाय पेइंग रुपीज 210. मैम 60 क्लास डी आंसर. डी आंसर ठीक है जी. फिफ्थ का डी आंसर आ रहा है 42 kg. देखो जी आपको क्या दिया, 75 kg के लिए देने पड़ते हैं 375 रुपीज. तो हम 1 kg का निकाल देंगे, 375 डिवाइड बाय 75. बोलो जी पर केजी कितना कॉस्ट पड़ा मुझे. करो कैंसिल और बताओ पर केजी का कॉस्ट कितना है. 5. अगर मैं 370, चलो 5 से कैंसिल कर लेते हैं पहले दोनों को. 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 और 5 5 15, 5 7 35 एंड 5 5 15 के टेबल में 75 5 पे आ रहा है. सो पर केजी की कॉस्ट 5 रुपीज और मेरे पास कितने थे 210. तो 210 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता चल गया कि हाउ मच वीट कैन आई कैरी. आई कैन कैरी 42 kg ऑफ वीट. तो बच्चों आप पहले 4 मॉड्यूल्स में किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से एक बार देख लो और मुझे बता दो. जो फिफ्थ मॉड्यूल आपके पास है वो आपकी होमवर्क असाइनमेंट है, आप इसे करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स जस्ट गो थ्रू फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स एंड सी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट. पहले दूसरे की प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली थी बॉड मास वाली, तो जो जो भी जिसकी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी थी. बाकी के 2 जल्दी से देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछोगे. मैम क्लास 6 मॉड्यूल 4 का जो केस स्टडी का फर्स्ट, मॉड्यूल 4 का केस स्टडी का फर्स्ट अभी अभी जो किया हमने. बेटा देखो मुझे इसमें क्या कहा गया था, एक बैग में 25 kg वीट है और उस बैग के लिए मैंने 2750 रुपीज पे किए हैं. इसका मतलब मैं 2 तरीके से अपने डाटा को समझ सकती हूँ क्या. वन थिंग इज कॉस्ट ऑफ वन बैग इज रुपीज 2750 एंड सेकेंड आई कैन से कॉस्ट ऑफ 25 kg ऑफ वीट इज रुपीज 2750. ये 2 बातें समझ में आती है. एक ही चीज मैं 1 बैग बाय करूं या 25 kg ऑफ वीट बाय करूं, दोनों केसेस में आई हैव टू पे 2750. अब पूछा क्या गया है मुझसे इसमें, हाउ मच ही वुड हैव पेड फॉर 2 वीट बैग्स. वेरी सिंपल, 1 बैग के लिए इतना तो 2 बैग्स के लिए कम का मालूम है यूनिट, 1 बैग का मालूम है 2 का निकालना है तो सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने 2750 की 2 से. समझ में आई ये बात जिसने भी पूछा था क्वेश्चन. चलिए जी और कुछ दिक्कत. ओके थैंक यू मैम. हाँ जी कोई और प्रॉब्लम किसी को. चलिए जी तो ये हमने यूनिटरी मेथड बॉड मास ये दोनों बातें इसीलिए की क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे का कुछ भी क्वेश्चन करते रहेंगे तो जरूरत पड़ती रहती है, इसीलिए ये 2 चीजें हमने की थी. अभी आपने स्कूल में होल नंबर्स का चैप्टर कर लिया. अभी तो पूछ रहा था कोई कुछ पूछ रहा था अभी. एक्सक्यूज भी बोला गया, कहां से बोला गया. मॉड्यूल 4. हाँ बोलो. केस स्टडी की एमसीक्यू बचे. केस स्टडी 4th है, हाउ मच वीट कैन सचिन बाय इफ ही स्पेंड्स रुपीज 5720. बेटा इससे सेकंड क्वेश्चन में हमने 1 kg वीट का कॉस्ट कितना निकाला था.
110 रुपीज, ये समझ में आ गया था। यस। अब अगर आपके पास 110 रुपीज हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 kg व्हीट बाय कर सकते हो। मेरे पास 5720 रुपीज हैं तो मुझे यूनिटरी मेथड के हिसाब से जाना है, तो मैं क्या निकालूं कि अगर 1 रुपी हो तो मैं कितना बाय कर सकूंगी। ज्यादा का पता हो, कम का निकालना हो तो डिवीजन करते हैं, ठीक है जी। अब 1 रुपी में मुझे पता चल गया कि मैं 1/110 kg बाय कर सकती हूँ, मेरे पास पड़ा है 5720, सो 5720 रुपीज में मैं कितना बाय कर पाऊंगी उसके लिए। अब यहाँ कम का पता था, ज्यादा का निकालना था, तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आप फाइव से, हाँ जी बोलो बोलो, फिफ्थ फिफ्थ भी बता देते हैं जी। फिफ्थ है, यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे। पहले मुझे कहा गया 75 kg वीट को अगर मैंने कैरी करवाना है, मैंने बाय की और मुझे उसे घर लेके जाना है, तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 375 रुपीज। 75 kg के लिए मुझे पे करना पड़ रहा है 375। तो 1 kg के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 75 से डिवाइड। तो मेरे पास यहां से आ गया कि 1 kg के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 5 रुपए। अब आगे पूछा गया कि अगर मेरे पास 210 रुपए हूं तो मैं कितने केजी वीट ले जा सकती हूं। अब मैं क्या कहूंगी, मुझे पता है 5 रुपए होने पर मैं 1 kg ले जा सकती हूँ, 1 रुपी पे 1/5 और 210 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, 42। ओके मैम, थैंक यू मैम, वेलकम बच्चे। चलिए जी, तो अब आप लोगों ने होल नंबर का चैप्टर किया है क्लास में, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज आपने जो क्लास में किया है वो तो हम बिल्कुल जरा सा टच करेंगे, वो आपने अच्छे से कर लिया क्लास में, आपको मालूम है। सिर्फ दो बातें उसमें से मैंने पूछनी है और उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज उसमें करेंगे जो अभी आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। लेकिन थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप अगली क्लास में जाओगे, 7th में 8th में, दोनों में वहां पर आपको उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना जो बात मैं बोलूंगी, थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना, बस उतना काफी रहेगा, बस ध्यान से सुनना है जो भी मैं कहूंगी, ठीक है। उससे पहले जरा आप मुझे एक दो क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। आई वुड लाइक, हाँ बोलो बोलो, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। बहुत बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बैठिए बैठा बैठ जाओ सारे। नेचुरल नंबर्स आर योर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू करी जाती है। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, ऑल ऑफ देम आर नेचुरल नंबर्स, बट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 0 दैट बिकम्स होल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बट वेन आई टॉक अबाउट होल नंबर्स आई इंक्लूड 0 इन इट। चलिए जी, अब मुझे बताइए अगर मुझे किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अपनी अपनी सीट पे बैठ के ही बोलेंगे, जब सारे बोलते हैं तो आवाज आ जाती है मेरे तक, एक बोलता है तो माइक तक आने की जरूरत होती है। हाँ जी, सक्सेसर निकालने के लिए +1 कि -1, और -1 करूं तो क्या मिलता है, प्रीडेसेसर। -1 करके मिलता है प्रीडेसेसर, +1 करके मिलता है सक्सेसर। तो फिर अब सोच समझ के आंसर करना, 100 का प्रीडेसेसर 99, 100 का प्रीडेसेसर विल बी 99 एंड 100 का सक्सेसर विल बी 100 and 1।
अब सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, चलो सारे ही बताओगे। क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका प्रिडेसेसर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? मैम ये सारे गए। होल नंबर्स की, ठीक है जी। तो हमने कहा कि होल नंबर्स जो हमारे शुरू हो रहे हैं वो जीरो से शुरू होते हैं और ना से शुरू होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है? Which one is the greatest whole number? Can you tell? अनकाउंटेबल We cannot tell the greatest whole number. Can we tell the least whole number? Or least natural number? अब एक एक स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं, वो बताना कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुन, पढ़ना, समझना और फिर मुझे बताना। मैंने लिखा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये बात जो मैंने लिखी है, ये सही है कि गलत है? हर एक नेचुरल नंबर, मान लो मैंने 4 लिया, ये नेचुरल नंबर भी है और साथ के साथ होल नंबर भी है। लेकिन होल नंबर्स नेचुरल हो ये जरूरी नहीं है। कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर में है और नेचुरल में नहीं है? ठीक है जी, नंबर लाइन पर होल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं ये मालूम है सभी को? ये मेरी नंबर लाइन, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वी गो टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अभी इसके पीछे की बात नहीं करते हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं 0 से। सो 0 से आगे 1, 2, 3, 4 पे चलते जाएं तो दीज आर दी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको आता है। हम थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं, ऑल दो टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। हम जल्दी से बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की, सिर्फ समझते जाना जो जो मैं बोलूं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स सोच समझ के आंसर करना बच्चों। अगर मैं किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड कर दूं, कोई भी दो होल नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आए, जब आप उनको ऐड करते हो तो क्या मेरा आंसर होल नंबर बनता है कि नहीं बनता है? मैम अगर मैं किन्हीं भी दो होल नंबर्स को, लेट अस से मैंने ले लिया 3 एंड 4, ऐड किया आंसर 7, दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं आंसर होल नंबर, तो होल नंबर है। मान लो मैं किन्हीं दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मेरा आंसर होल नंबर है? नो नहीं है। मैं नो भी दो होल नंबर्स को डिवाइड कर दूं, क्या आंसर होल नंबर आएगा? नो नहीं आएगा। आ भी सकता है लेकिन ये एग्जाम्पल में नहीं आ रहा। मान लो मैं करूं 10 डिवाइड बाय 2 तो आंसर होल बन गया, या मैं 4 माइनस 3 कर दूं तो आंसर होल बन गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पर ये होल नहीं बने।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हो या दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा कैसा बनता है, होल नंबर बनता है। लेकिन जब मैं उन्हें डिवाइड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर होल नंबर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। इस सारी बात के लिए हमने एक प्रॉपर्टी कह दी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी। और मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, ध्यान से सुनना समझना, ना समझ में आए तो बताना। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट क्लोज्ड अंडर, सॉरी, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या कहा मैंने, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब दो होल नंबर्स को ऐड करोगे आंसर होल नंबर, मल्टीप्लाई करोगे आंसर होल नंबर, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करने पे होल आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये बात सबको समझ में आई? तो बस ये थी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, क्या करें, फटाफट सब समझ लेते हैं। अब चलते हैं एक अगली चीज पे, ध्यान से देखते जाना बस। लो जी, मैं करूं 3 + 4 या मैं करूं 4 + 3, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? पक्की बात? लो, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूं या 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर सेम रहेगा? चलो ठीक बात है, कहते हो तो। मैं 4 - 3 करूं या मैं 3 - 4 करूं, क्या आंसर सेम आएगा? मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं या 3 को 4 से डिवाइड करूं, आंसर सेम क्या अलग? अब ध्यान से देखना हमने किया क्या, हमने सिर्फ अपने नंबर्स की पोजीशन को बदल दिया, जहां 3 लिखा था उसको 4 कर दिया, जहां 4 लिखा था उसको कर दिया। नंबर वही है, नंबर नहीं बदले, सिर्फ उनकी पोजीशन बदल दी। जब मैंने नंबर्स की पोजीशन बदली तो एडिशन करने पर और मल्टीप्लिकेशन करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा आंसर तो सेम ही रह गया। लेकिन जब मैंने सब्ट्रैक्शन करी और डिविजन करी तो मेरे आंसर चेंज हो गए। इस प्रॉपर्टी को जहां पर हम सिर्फ नंबर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं कि होल नंबर्स आर राइट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो क्या ये बात ठीक है? मैम यस, मैम यस।
समझ में आई है सभी को? पक्की बात? जिसको ये दो बातें अभी समझ नहीं आई, जो दो प्रॉपर्टीज हमने करी, एक हमने करी क्लोजर प्रॉपर्टी और एक हमने करी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दो बातें जिस जिसको समझ में नहीं आई हैं वो हाथ खड़ा करे। हमने कहा जब दो होल नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर होल नंबर बनता है, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो होल नंबर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। ठीक है जी। फिर हमने बात की कि अगर मैं अपने नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करूं मैं होल नंबर्स की तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हमने कह दिया एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन इज कॉम्यूटेटिव। जल्दी से सोच के बता दो, बात मेरी समझ में आई है कि नहीं आई है? पक्की बात है? चलो फिर एक काम और करते हैं, फिर हम जल्दी से अभी मैम कैन आई एक्सटेंड दी क्लास, और टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? चलो ठीक है जी, टाइम हो गया तो फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते। ओके जी, ओके बच्चों, बाय 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 बाय।